नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक लघु कथा पाती। ये लघु कथा पत्र शैली में लिखी गई है। लघु कथा विभिन्न शैलियों में लिखी जाती है, जैसे डायरी शैली, संस्मरणात्मक शैली, पत्र शैली, आत्मकथात्मक शैली। इसी क्रम में जो मेरी ये लघु कथा है, ये पत्र शैली में लिखी गई है। लघु कथा का शीर्षक है पाती। इस लघु कथा में एक पत्र है जो एक पत्नी अपने पति को लिखती है। नहीं, पति दूर नहीं रहता है, पति घर में ही रहता है, एक घर में रहते हैं, पर वो जो कहना चाहती है वो बोल के नहीं कह पाती, तो वो पत्र के माध्यम से कहती है अपनी बात। उसे ही कथा के रूप में लिखा गया है पाती। बिना किसी संबोधन के पत्र लिख रही हूं, ये समझ ही नहीं पा रही हूं कि क्या संबोधन दूं। बच्चों के सामने तुम्हारे पापा, माँ जी पापा जी के सामने आपका बेटा, और दुनिया के सामने कभी इनके या फिर आपके बच्चों का नाम लेकर उनके पापा। और जब आप सामने होते हो तो सुनिए, सुनते हैं, इसी से मेरा काम चलता है। तो किस नाम से बुलाऊं आपको? इस तरफ तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपको कभी किसी नाम से भी बुला सकती हूँ। खैर, ये कहने के लिए पत्र नहीं लिख रही हूँ। 18 वर्ष की शादी में आपने वो सारी खुशियाँ दी जिसे समाज खुश रखना कहता है। अपनी हैसियत के हिसाब से महंगे कपड़े, गहने, घूमना, ऐशो आराम, सब कुछ। मुझे आराम देने की इतनी ज़्यादा कोशिश की आपने कि मुझे घर से बाहर जाकर कोई काम भी नहीं करने दिया। आपको मुझे पीले रंग में देखना पसंद है, तो वार्डरोब पीले रंग से भरा हुआ है, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ। जब भी किसी के पास खूबसूरत गहने देखे, वो मेरे लिए भी लेके आ गए। मैं खुश थी, मैंने तो यही सोचा था कि यही तो खुश होना होता है। पर अचानक कुछ हुआ, वही बताना था आपको। कोई आया धीरे धीरे जिंदगी में, वो पूछता आपको क्या पसंद है। मुझे क्या पसंद है? जो घर में सबको पसंद है वही मेरी पसंद है। एक बार उसने पूछा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। मैं चौंक गई, इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। शादी से पहले जो पापा ला देते थे वो पहन लिया करती थी, और फिर आपने मुझे पीले रंग से रंग दिया। फिर याद आया कि मुझे गहरा नीला रंग बहुत पसंद है। कितनी बातें बताऊं उसके बारे में। एक बार पूछ लिया कि मुझे आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है। अब घर में या तो बच्चों के पसंद का आया चॉकलेट फ्लेवर, या आपके पसंद का बटरस्कॉच। इसमें मैं खुद भी भूल गई थी कि शायद मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। और किसी ने भी कभी ये पूछा नहीं कि मुझे क्या पसंद है। अब आपको लगेगा कि ये कौन है, क्या रिश्ता है इसका मेरे साथ। पर ये सब जानने से क्या फर्क पड़ेगा? अब तक क्या बदला है? जब मैं मोबाइल पे आपको चैट या कॉल करते वक्त आपके चेहरे के गुलाबी रंगत को देखती हूँ, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जाती है। वो चमक खास होती है, पर क्या फर्क पड़ा आज तक? फिर क्यों बता रही हूँ आपको? इसीलिए कि एक किल्ट सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपसे बेईमानी कर रही हूँ। आपके होते हुए मन में किसी और के लिए ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए ना। बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हुआ और मैं क्या चाहती हूँ, और पाया कि बस थोड़ी सी इज्जत और केयर मुझे भी चाहिए। बस कोई प्यार से पूछ ले कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मुझे कुछ चाहिए। कोई अगर ये पूछता है तो मन में उसके लिए मोह जाग जाना स्वाभाविक है। शायद इसीलिए उसके लिए भी मेरे मन में मोह सा जाग गया।
पर एक बात सिखाया इस सब ने कि मैं भी इंसान हूँ जिसकी इच्छाएं हैं, और अपनी इच्छाओं की फिक्र पहले खुद करनी चाहिए, फिर कोई और करेगा। बस यही कहना था। ये लघु कथा इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भारती कुमारी की ही लिखी हुई लघु कथा पाती। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।